स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब बताओ मुझे क्या होता है? पहले तो रेशियो है, ठीक है, किसका रेशियो है? डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, किसी के भी बेसिस पे ले सकते हैं, एनी स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो इसका मैं आपको जानना चाहिए बताता हूं स्पेसिफिक ग्रेविटी का इंपॉर्टेंस क्या है प्रैक्टिकली। तो आप समझोगे कि अगर मान लो कि मुझे कंपैरिजन करना है किसी चीज की डेंसिटी, मान लो हमारे पास तीन ट्रेन की बोगी है, देयर आर थ्री ट्रेन बोगीज, एक है शताब्दी, है ना, शताब्दी नाम देखो, शताब्दी देखी है सभी लोगों ने, चेयर कार होती है, सिर्फ बैठ सकते हैं उसमें, उसमें डेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है। एक एक ट्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं स्लीपर वाली, तो स्लीपर क्लास जो ट्रेन होती है उसमें फिर भी लोग ज्यादा होते हैं इसके कंपैरिजन में। और एक होती है बिहार वाली ट्रेन जिसमें लोग 3D में भरे होते हैं, जहां भी जगह मिले वॉइड रेशियो क्या होता है? जीरो। तो एक ही वाली ट्रेन है, हम बोलेंगे इन सभी का वॉल्यूम सेम है, लेट अस अज्यूम कि तीनों वॉल्यूम सेम है लेकिन अंदर डेंसिटी अलग अलग है। अब मैं वेट को टन्स के हिसाब से बोल सकता हूं कि इसका वेट भाई 1000 किलो है, इसका वेट 1200 किलो है और इसका वेट 3000 किलो है। एक तरीका यह है कि हम हर किसी का वेट बताएं। दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको बोलूं कि भाई खाली डब्बा जो होता है उसका वेट होता है 500 किलो, जो एम्प्टी बॉक्स होता है उसका वेट कितना होता है? 500 किलो। अब मैं क्या बोलूंगा कि इसका क्या हो गया 1000 डिवाइड बाय 500, इसको बोलूंगा 1200 डिवाइड बाय 500, इसको बोलेंगे 3000 डिवाइड बाय 500। तो मैं बोलूंगा बेसिक डब्बे से ये जो है 2 times ज्यादा है, इसका वेट कितना है? 2 times ज्यादा है। इसका जो है कितना है? 20। इसका कितना है? 2.2। ये वाला आपको समझ में आ रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या कर रही है? कोई स्टैंडर्ड लिक्विड ले लिया उन्होंने, आपने बोला पानी, क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा चेंज नहीं होती रहती, उन्होंने स्टैंडर्ड लिक्विड ले लो पानी, पानी कंपैरिजन बाकी की डेंसिटी कितनी है? तो आपने क्या बोला, जब सॉलिड्स की डेंसिटी की बात करते हैं, सॉलिड्स की, तो बोले डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, और जनरली 2.65 होती है, मतलब पानी की डेंसिटी से ये 2.65 टाइम्स ज्यादा डेंस है। सॉलिड जो है पानी के कंपैरिजन में क्या है? 2.65 टाइम्स ज्यादा डेंस है। दैट इज व्हाट स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्लियर है? तो सॉलिड्स हैं, जो सॉलिड ग्रेन है, हम सॉइल की बात नहीं कर रहे, हम ग्रेन की बात कर रहे हैं, जो ग्रेन का पार्टिकल है जिससे सॉइल बनी हुई है, वो ग्रेन का पार्टिकल जो है पानी के कंपैरिजन में 2.65 टाइम्स ज्यादा डेंस है, डेंसिटी का कंपैरिजन हो गया। दैट इज व्हाट स्पेसिफिक ग्रेविटी। राइट डाउन, इट इज द रेशियो ऑफ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जीएस से, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट करते हैं जीएस से, इट इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। Density of solids divided by density of water, ठीक है। Next लिखते हैं what is density? Density कौन कौन सी different terms है density? पहले लिखते हैं bulk density, bulk density, इसको बोलते हैं bulk density को field density बोलते हैं इसको, bulk density is also called as field density or it is called as in situ density. फील्ड डेंसिटी और इन सिटू डेंसिटी, इन सिटू मतलब ऑन द साइट, साइट से जो सॉइल उठा के लाया उसकी डेंसिटी कितनी है? तो साइट से जैसे आप सॉइल उठा के लेके आए हो, तो फील्ड से जो सॉइल उठा के लाए हो, इन द साइट डेंसिटी कितनी थी सॉइल की? दैट इज इन सिटू डेंसिटी। इन सिटू डेंसिटी व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा बी,
गांव बल्ब से रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड में, हर बुक में गेट के पेपर में गामा बल्क से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर इसको गामा बल्क लिख देते हैं गेट वाले। इट इज इधर रिप्रेजेंट गामा बी और गामा बल्क। इट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, सॉइल टोटल वॉल्यूम, डेंसिटी इज वेट अपॉन वॉल्यूम, नो केजी पर मीटर क्यूब में होता है ना, तो या तो केजी पर मीटर क्यूब या फिर किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, यूनिट्स में कंफ्यूजन नहीं होगा, याद नहीं करेंगे अभी यूनिट्स। तो गामा बल्क इज वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। इसमें हो सकता है वेट ऑफ वाटर जीरो रहे, जो साइड से आप सॉइल उठा के लेके आए हो वो सॉइल ड्राई भी हो सकती है, फील्ड से जो सॉइल उठा के लाया ऐसा नहीं कि फील्ड से जो सॉइल आएगी वो पार्शियली सैचुरेटेड ही रहेगी, मैं जो साइड से सॉइल उठा के लाया वो ड्राई थी, तो फील्ड डेंसिटी कितनी हो जाएगी उसकी, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम, उसमें पानी था ही नहीं और फील्ड से उठा के सॉइल लेके आया, हो सकता है सैचुरेटेड थी क्योंकि मैं नदी के नीचे से उठा के सॉइल लेके आया, तो फील्ड से जो मेरी फील्ड थी वो मेरी फील्ड थी नदी के नीचे, तो मैं वहां से सॉइल उठा के लाया, दैट इज सैचुरेटेड। तो दिस फील्ड डेंसिटी कैन बी सैचुरेटेड, कैन बी ड्राई, कैन बी पार्शियली, कुछ भी हो सकता है, क्लियर है ना। तो फील्ड से जो सॉइल आई वो सैचुरेट भी हो सकती है, ड्राई भी हो सकती है और पार्शियली सैचुरेट भी हो सकती है, तो इसमें स्टक नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं सैचुरेटेड सॉइल, सैचुरेटेड सॉइल it is saturated weight of soil saturated soil ko likhenge, saturated density ko likhenge gamma saturated, it is equals to saturated weight divided by total volume of soil, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इस समय सॉइल कैसी है, सैचुरेटेड, वॉल्यूम ऑफ एयर इज व्हाट, जीरो। सैचुरेटेड डेंसिटी गामा सैचुरेट से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर गामा सैचुरेटेड, इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ गामा सेट, ठीक है। और जो नेक्स्ट लिखेंगे ड्राई डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा ड्राई या फिर गामा डी, देयर आर टू रिप्रेजेंटेशंस फॉर इट, गामा ड्राई और गामा डी। गामा ड्राई इज ओनली वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, फिर ड्राई सॉइल है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगी, वेट ऑफ वाटर इज जीरो सिंस सॉइल इज ड्राई। गामा ड्राई इज वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। एक्चुअली ऊपर क्या लिखा है, ऊपर हमेशा लिखा है टोटल वेट, ऊपर क्या टोटल वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड टोटल वॉल्यूम, लेकिन ऊपर के वेट में पानी है ही नहीं क्योंकि सॉइल तो सूखी हुई है, इसलिए हमने क्या लिखा सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड्स, इसमें वेट ऑफ वाटर तो क्या है, जीरो। तो हमेशा फॉर्मूला तो यही है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे बल्क डेंसिटी की बात, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स रिप्रेजेंटेड गामा एस, सिर्फ सॉलिड की डेंसिटी, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ मार्बल, अगर मैं बात करूं तो हमारे सब टर्म से डेंसिटी ऑफ मार्बल, तो अगर मुझे मार्बल की डेंसिटी निकालना तो कैसे निकालेंगे, मार्बल की डेंसिटी निकालना है, मार्बल कितना डेंस है, तो मैं करूंगा वेट ऑफ मार्बल ले लूंगा, उसका डायमीटर पता करके उसका वॉल्यूम निकाल लूंगा, दैट विल बी व्हाट, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, एक है डेंसिटी ऑफ वॉटर, डेंसिटी ऑफ वॉटर किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, गामा डब्ल्यू, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन इज गामा डब्ल्यू। अगेन पानी की डेंसिटी निकालना तो मैं क्या करूंगा, वेट ऑफ वॉटर और कितनी वॉल्यूम है उसके वेट का, तो इट विल बी गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू
वेट ऑफ वॉटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ वॉटर. पानी कितना डेंस है वो पता करने के लिए पानी का ही वेट लेंगे और पानी की वॉल्यूम लेंगे. ठीक है, ये क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? अब मुझे बताओ सबसे बड़ी डेंसिटी कौन सी रहने वाली है, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? सबसे हाईएस्ट डेंसिटी कौन सी होगी? डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स इज द हाईएस्ट. तो जो जार में मार्बल भरे हुए हैं उसमें मार्बल सबसे ज्यादा डेंस है. जार डेंस नहीं है, जार के अंदर का जो मार्बल भरा हुआ वो मास डेंस नहीं है. मार्बल जिसका मटेरियल का बना है मार्बल बहुत डेंस है. तो सॉलिड जो है सॉलिड पार्टिकल बहुत डेंस है. सबसे हाई डेंस कौन सा हो गया? डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स. उसके बाद क्या हो गया? सैचुरेट डेंसिटी. वो सॉइल की वॉल्यूम उतनी है लेकिन पूरे पूरे वॉइड्स कैसे भरे हुए हैं पानी से, मतलब टोटल वेट कितना होगा? वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर. तो गामा सैचुरेटेड. नेक्स्ट इज गामा बल्क, पार्शियली सैचुरेटेड, कुछ पानी भरा हुआ है. एंड नेक्स्ट इज गामा ड्राई. एंड नेक्स्ट इज गामा डब्ल्यू, डेंसिटी ऑफ वाटर. ठीक है, डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? इन तीनों में, इन तीनों में डिपेंड कर रही है डेंसिटी किसके ऊपर? ऊपर वाला न्यूमरेटर है, तीनों में वॉल्यूम नीचे. तीनों में वॉल्यूम कॉमन है, चेंज क्या हो रहा है तीनों में? वेट. इसमें वेट जो है पूरा पानी से भरा हुआ है, वॉइड्स पूरे पानी से भरा है, तो उसका वेट सबसे ज्यादा होगा ऊपर वाला. ये पार्शियली सैचुरेटेड है और पानी जीरो है, तो सिर्फ सॉलिड का वेट है. समझ में आ रहा है? वॉल्यूम तीनों में कांस्टेंट है, वेट चेंज हो जा रहा है. इसका वेट सबसे ज्यादा है, इसका वेट कम है, उससे उसका भी कम है. क्लियर? लास्ट दो में डाउट है. हाँ, ड्राई डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी, यही वाला. तो ड्राई डेंसिटी मतलब क्या डाउट है इसमें? सॉइल ड्राई सॉइल से आप उठा के लेके आओ ड्राई सॉइल. आप समझ लो कि वाटर में सिर्फ क्या है? वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर. क्लियर है? पानी की डेंसिटी कैसे निकालोगे? वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर. हाँ, इधर देखो डाउट क्या है कि आपने तीन डेंसिटीज में वॉल्यूम से डिवाइड किया है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल से. तीन डेंसिटीज हमने किससे डिवाइड किया? वॉल्यूम ऑफ सॉइल से. एक में आपने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड किया और एक में आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर से डिवाइड किया. तीनों में चारों में अलग अलग पैरामीटर है लेकिन डेंसनेस तो समझ में आती है ना? डेंसनेस तो समझ में आती है. डेंस क्या होता है? तो एक पार्टिकल जो है सॉलिड का पार्टिकल कितना डेंस है वो तो समझ में आता है. तो रेशियो से मुझे डेंसिटी पता चलती है कि सॉलिड कितना डेंस होगा. पानी उसके कम में कंपेरिजन कम डेंस है, बहुत सारे अंदर खुला खुला होता है ना पानी, तो पढ़ रखे हम लोग. एयर का डेंसिटी और कम हो जाएगा क्योंकि एयर के पार्टिकल और बिखरे हुए हैं. ठीक है ना, इसलिए कंपेरिजन किया हुआ है. और ये डेंसिटी ऑफ सॉइल से, सैचुरेट डेंसिटी ऑफ सॉइल, बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, इसलिए इसको वेट किससे डिवाइड किया है? वॉल्यूम किससे डिवाइड किया? वॉल्यूम ऑफ सॉइल से. तो जिसकी डेंसिटी उसको उससे डिवाइड करेंगे. ये सॉइल नहीं, सॉलिड्स की डेंसिटी तो सॉलिड्स की वॉल्यूम से डिवाइड किया. ये वाटर की डेंसिटी तो वाटर की वॉल्यूम से डिवाइड किया. ये सॉइल की डेंसिटी तो सॉइल की वॉल्यूम से डिवाइड किया. ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी. अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर बोलते हैं जीएम, अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी जीएम. हमने बोला, हमने लिखा जीएस जब लिखा था हमने क्या बोला था? डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट है?
ये लिखा था हम लोगों ने स्पेसिफिक ग्रेविटी में, लेकिन भाई जब बात चल रही है सॉइल की तो आप सॉलिड्स की डेंसिटी क्यों लिख रहे हो, है ना? तो उन्होंने एक और टर्म बनाया जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्या था, सॉइल। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल को बोलते हैं अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जी एम से। इसका मतलब हो जाएगा गामा बल्क, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉइल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वॉटर। अगर ये सॉइल सेचुरेट रहेगी तो जीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा सेचुरेटेड डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू। अगर सॉइल ड्राई रहेगी तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गामा ड्राई डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू। तो ये सॉइल की डेंसिटी होगी। तो फॉर एस इक्वल टू वन या फिर फॉर सेचुरेटेड सॉइल जी एम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सेचुरेटेड सॉइल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वॉटर फॉर एस इक्वल टू जीरो दैट इज ड्राई सॉइल। जी एम इज इक्वल टू गामा ड्राई डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू। अभी डेंसिटी ऑफ सॉइल है, तीनों जगह डेंसिटी ऑफ बल्क डेंसिटी, सेचुरेटेड डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी। ठीक है, हम लोग मेजर मेजर टर्म्स हो गई है, बट ऑन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स। इंपॉर्टेंट रिलेशन में लिखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन, पहला वाला एन इज इक्वल टू ई अपॉन वन प्लस ई। सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला एस डॉट ई इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। सहवाग, एस डॉट ई इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। थर्ड, गामा बल्क इज इक्वल टू G प्लस एस इंटू ई अपॉन ठीक है गामा, गामा एस नहीं, फोर्थ गामा। अब इसी का फॉर्मूला देखो डिराइव कर लेते हैं, अगर सॉइल सेचुरेट रही गामा सेचुरेटेड तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जी प्लस ई अपॉन वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। अगर सॉइल कैसी रहेगी, ड्राई, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई। फॉर ड्राई सॉइल, तो फॉर दिस सॉइल एस इक्वल टू वन, फॉर दिस सॉइल एस इक्वल टू जीरो। सिंस एस इक्वल टू जीरो से पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी अपॉन वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। फोर्थ फॉर्मूला, गामा ड्राई का एक और फॉर्मूला होता है गामा बी अपॉन वन प्लस डब्ल्यू, गामा बी अपॉन वन प्लस डब्ल्यू। अब इसमें देखो पॉइंट्स टू बी नोटेड, सबसे पहली बात, ये जो सारे पैरामीटर्स जैसे कि एस है, ई है, डब्ल्यू है, ये सारे पैरामीटर्स जनरली परसेंटेज में गिवन होते हैं क्वेश्चन में, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते आता है। अगर क्वेश्चन में बोला वाटर कंटेंट इज 20%, तो हम बोलेंगे डब्ल्यू कितना लेंगे हम लोग, 0.2। सैचुरेशन बोला कितना, 100%, एस की वैल्यू कितनी होगी, 1। सैचुरेशन बोला 97%, तो कितना जाएगा, 0.97। तो हम लोग ये रूल बना लेते हैं कि सारे फॉर्मूले हमेशा वैल्यू किस में पुट अप करेंगे, इन फ्रैक्शन। सारी वैल्यूज किस में पुट अप करेंगे, हमेशा फ्रैक्शन में पुट अप करेंगे, तो आंसर भी कायम आएगा फ्रैक्शन। तो ये W जब मैं पुट अप करूंगा तो परसेंट में पुट अप नहीं करूंगा, 20% नहीं दिखा पुट करना, आई डोंट नो 0.2। क्लियर है? तो इसमें जब भी वैल्यूज पुट अप करेंगे, एस डॉट ई इक्वल डब्ल्यू इंटू जी, एस भी फ्रैक्शन में, ई भी फ्रैक्शन में, डब्ल्यू भी फ्रैक्शन में, और जी तो जी है, यूनिटलेस। क्लियर है? तो जितनी भी वैल्यूज आप पुट अप करोगे इसको ऑलवेज यू विल पुट अप इन फ्रैक्शन, तो आंसर भी कायम आएगा फ्रैक्शन में। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको ई डब्ल्यू और जी गिवन है,
और डब्ल्यू आपको गिवन है कितना 35%। तो आप डब्ल्यू को में पुटअप करोगे 0.35 में, एस की वैल्यू जो आएगी काय में आएगी फ्रैक्शन में, तो मे भी वैल्यू आ सकती है 25%। तो एस की वैल्यू कितनी आएगी 0.25। क्वेश्चन में देखना कैसे पूछा हुआ है, क्वेश्चन में आंसर फ्रैक्शन में पूछा है कि परसेंट में पूछा है, परसेंट में पूछा तो 0.25 को क्या कर देंगे 25%, लेकिन याद एक ही करेंगे कि ऑलवेज पुट अप इन फ्रैक्शन सो गेट इन फ्रैक्शन। फॉर्मूले ये चार ही है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसमें से ये वाला फॉर्मूला इजी है, ये फॉर्मूला याद हो गया। गामा बल्क का एक ही फॉर्मूला है, इसमें एस की वैल्यू वेरी करते जाओगे दो और फॉर्मूले डिराइव हो जाएंगे, और गामा ड्रैग का एक फॉर्मूला याद करना, जैसे गामा बी अपॉन 1+W, बहुत कॉमनली बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मूला याद हो जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने जो बेसिक चार फॉर्मूले आपके वो भी बन जाएंगे, फाइव फॉर्मूलास ई एन एस एन वाला, समझ में आ रहे हैं। अपेरेंट वेट का फॉर्मूला डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन, इसके अलावा तो अपने कुछ नहीं देखा है, क्लियर है। अगर हम इसको पूरा रिवाइज करेंगे एक बार, ये लिख लिया सभी ने, अगर आप अभी तक के जो हम लोगों ने पढ़ा उसको समराइज कर लेते हैं फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहले वी स्टार्टेड विद ओरिजिन ऑफ सॉइल, ओरिजिन ऑफ सॉइल में हमने साइकिल पढ़ा, ओरिजिन ऑफ सॉइल का साइकिल कैसा था, सबसे पहले लावा, लावा का सॉलिडिफिकेशन होगा, उसके बाद वो रॉक बन जाएगा, रॉक की वेदरिंग होगी, वेदरिंग के बाद डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन के बाद अपीवल होगा। अपीवल के लिए दो टर्म्स है, लिथिफिकेशन और इंड्यूरेशन। तीन टाइप के रॉक होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। सबसे स्ट्रॉन्ग रॉक होता है मेटामॉर्फिक, फिर सेकेंडरी, फिर इग्नियस। इग्नियस को आई से याद रखेंगे, इनिशियल, इनिशियल आई फॉर इनिशियल, सेकेंडरी मतलब सेकेंड, एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक, ठीक है। फिर हमने डिफरेंट टाइप की सॉइल देखी, पहली सॉइल थी एल्यूवियल सॉइल जो कि नदी से आती है, पुअरली ग्रेडेड है। लैकस्ट्रीन सॉइल कंप्रेसिबल इन नेचर है, लेक के नीचे मिलती है। ग्लेशियल सॉइल वेल ग्रेडेड सॉइल है और ग्लेशियर के पिघलने से मिलती है। एओलियन सॉइल एयर से बहके आती है, हमको याद है सॉइल कैसी होती है, पुअरली ग्रेडेड, एक टाइप के पार्टिकल्स होते हैं सारे। और ऐसे तीन चार बेंटोनाइट सॉइल में स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग प्रॉपर्टी होती है मोनोनाइट के कारण, क्लियर है। नेक्स्ट वी मूव टू प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में दो फेज के डायग्राम होते हैं, थ्री फेज डायग्राम होता है, टू फेज डायग्राम होता है। टू फेज डायग्राम में दो टाइप के पॉसिबिलिटी, एक में सेचुरेशन जीरो होगा, एक में सेचुरेशन वन रहेगा। सेचुरेशन जीरो मतलब ड्राई सॉइल, सेचुरेशन वन मतलब फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट टर्म्स में ई एन एस एन, हमको चारों टर्म्स याद हो गए, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। देन वी मूव टू नेक्स्ट पार्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर कंटेंट का एक फॉर्मूला देखा, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। Apparent water content is weight of water upon weight of soil, soil का weight. Then we move to specific gravity of soil, density of solids, solids divided by density of water. Apparent specific gravity is density of soil divided by density of water. So there are two specific gravities, एक specific gravity of soil, एक apparent specific gravity. ये अगर apparent है तो दूसरी वाली कैसी होगी, true specific gravity. Apparent मतलब छलावा जो कि दिख रहा है, जो है नहीं। एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी एक है तो दूसरी वाली क्या होगी, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो फॉर्मूला कैसे बन जाता है, अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर सैचुरेटेड सॉइल, क्वेश्चन में क्या गिवन है, एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉइल गिवन है, और आपसे पूछ रहा है सैचुरेटेड, और आपसे पूछ रहा है कि डेंसिटी क्या होगी, तो अगर आपको जी एम गिवन है फॉर व्हाट टाइप ऑफ सॉइल, सैचुरेटेड सॉइल, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, गामा सैचुरेटेड डिवाइड बाय व्हाट, गामा डब्ल्यू। हम गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला पता है, जी प्लस ई अपॉन वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय व्हाट, गामा डब्ल्यू, और आपको क्या गिवन है, जी एम। समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ या फिर मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ व्हाट, सैचुरेटेड सॉइल। तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉइल पूछा है, गिवन है, और आपसे बोल रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स बताओ। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स पूछ रहे हैं, सॉलिड्स की वजह से। तो अगर मेरे पास वॉइड रेशियो है तो मैं निकाल दूंगा डायरेक्टली, ऐसे ड्राई के लिए भी निकाल सकते हैं, जी एम फॉर ड्राई क्या हो जाएगा, गामा ड्राई अपॉन गामा डब्ल्यू, गामा ड्राई मतलब जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई अपॉन गामा डब्ल्यू। तो जी एम इज इक्वल टू व्हाट, जी एस अपॉन, यहां पे क्या होगा, जी एम इज इक्वल टू जी एस प्लस ई अपॉन वन प्लस ई।
अगर मुझे void ratio given है और मुझे बता दिया soil कैसी है saturated, तो मैं GM और GS दोनों निकाल सकता हूँ. क्लियर है? और ने बोला सॉइल ड्राई है और जीएम इतना है और वॉइड रेशियो इतना है, तो हम जीएस भी निकाल सकते हैं इससे. तो फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल फॉर्मूला बन जाएगा. यही सारे फॉर्मूले से को उलट पुलट करोगे तो वैल्यू मिल जाती है. ठीक है, हम लोग ग्रेड के क्वेश्चन देखते हैं. कुछ इसको लिख लो फॉर सैचुरेटेड सॉइल. फॉर ड्राई सॉइल इसके पहले कौन सा सब्जेक्ट चल रहा था आप लोगों का? आरसीसी. Question, first question. It is question number one. If mass specific gravity, if mass specific gravity of a saturated soil sample, is 1.5 and void ratio is 0.6 then determine mass specific gravity of solids. हाँ भाई, कैलकुलेटर निकाल लो सभी लोग, उसके बिना तो नहीं हो पाएगा ना. 1.8 टेक आउट कैलकुलेटर्स. और ये कौन से कैलकुलेटर निकाल रहे हो? ये वाले कैलकुलेटर गेट में मिलेंगे क्या तुमको? कल से क्लास में आओगे तो अपने मोबाइल को चार्ज करके लेके आना और मोबाइल में गेट वाला कैलकुलेटर डाउनलोड कर लो. उसमें जब प्रैक्टिस करते हो, इसमें जब प्रैक्टिस करते हो, देयर इज जमीन आसमान का अंतर. समझ में आ रहा है? आप ही होश उड़ जाएंगे पहली बार जब उस कैलकुलेटर में काम करता है ना. तो समझ में नहीं आता कैसे करना है. अगर आपको साइन 30 डिग्री निकालना है तो अभी हम क्या करते हैं, साइन लिखते हैं फिर 30 लिखते हैं. उसमें पहले 30 लिखना पड़ता है फिर साइन लगाना पड़ता है. और तो सिर्फ साइन 30 है, अगर साइन 30 का स्क्वायर रहे, उसका ई टू दी पावर एक्स रहे, तो और कॉम्प्लेक्स आती है चीजें. लॉग लेना रहे, एलएन लेना रहे, तभी तो हमको पता ही नहीं है वो क्या चीज है. अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाएगी. तो कल से क्लास में जिनको गेट निकालना है, कंडीशन क्या है, जिनको गेट निकालना है वो लोग कल से क्लास में कैलसी को चार्ज करके लाएंगे, बैटरी सेवर पे डाल देंगे उसको और बस कैलकुलेटर का यूज करेंगे, है ना. ठीक है, कितना आ रहा है, वैल्यू आ रही है कुछ. पहली बात, सॉइल सैचुरेटेड जीएम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? GS plus E upon 1 plus E. GM कितना given है? 1.5. GS plus E is कितना given है? 0.6. 1 plus 0.6. तो GS कितना हो गया? 1.8. ठीक है?